தனித்துவம் வாய்ந்த எஃகு இரும்பு தொழில்களுக்கு உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள இத்திட்டத்திற்கு 6322 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார். இது தவிர யூனியன் பிரதேசமான லடாக்கில் மத்திய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை அமைக்கவும் லடாக் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகம் ஒன்றை தொடங்கவும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்தார். जैसे आपको जानकारी है कि बहुत लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक लंबी मांग थी. उस सपने को पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी. उसको लेकर बड़े निर्णय आज दो किए गए हैं. तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे. ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी. वहां उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा, इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी. इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा. लेह कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे. दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं लेकिन यहां की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है. इंटीग्रेटेड मल्टी पर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है. इसकी स्थापना से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में के तीव्र गति के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा. इससे क्षेत्र की जनता का भी सामाजिक आर्थिक विकास होगा, रोजगार के सृजन भी इसी के माध्यम से होंगे और विकासात्मक कार्य गतिविधियों को भी बल मिलेगा. आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं. तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है तो उसके लिए 6322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है.